श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल के सम्मान में देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर एकता दौड़ का भी शुभारंभ किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यान स्टेडियम में बोलते हुए कहा कि देश को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुच्छेद 370 हटाकर देश को एक करने का काम किया है। सरदार पटेल के कुछ सपने अधूरे रह गए थे जिन्हें बीजेपी ने पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि देश आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में देश को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था। पूरा देश और दुनिया मानती थी कि भारत को आजादी तो मिली लेकिन भारत बिखर जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक के बाद एक रियासत को देश के साथ जोड़ने का काम किया। आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है, जिसमें रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और आज देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भाजपा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एक राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस के रूप में भी मना रही है।